ऐसे ही नहीं कहते, मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि जब मन का नहीं होता ना, दैट मींस ऊपर बैठे हुए उस रचयिता ने आपके लिए कुछ अच्छा ही प्लान किया होगा। अब सीरियल नथ में ही देख लीजिए, कहाँ जो कृष्णा थी वो सरहद पार करके घर वापसी करने की तैयारी कर रही थी, लेकिन एन मौके पर टाटा एफएस हो गया उसका प्लान, लेकिन फॉर द बेटर। क्यों? क्योंकि उसकी बेटी बलूचिस्तान जो पहुंच गई है, अब कम से कम अपनी बेटी को देखकर, चाहे वो जाहिर नहीं कर पा रही कि वो उसकी माँ है, ये तो उसको आसरा है ना कि बेटी उसकी आंखों के सामने है। बलूचिस्तान में जिस घर में रहती है कृष्णा, उसी घर में अब गोपी भी आ गई है। देखिए कृष्णा अब बुर्का पहनने लग गई है और उसकी छोटी बेटी गोपी को भी हिजाब पहना दिया गया है। अब कृष्णा को एहसास हो रहा था अपनी बच्ची का, देखिए उसका एहसास कितना सच साबित हुआ। अचानक मुझे एहसास होता है कि गोपी शायद यहीं कहीं आसपास है, और फिर मुझे गोपी मेरी मिल जाती है, दिख जाती है। पर कृष्णा गले नहीं लगा सकती, बातें नहीं कर सकती गोपी को, क्योंकि वो नहीं बता सकती कि हम दोनों हिंदुस्तान से हैं, वरना शायद हमें कभी वापस ना जाने दें अपने घर। इस सामने देखा अपनी बेटी गोपी को तो अपनी ममता को रोक नहीं पाई। हे गोपी ने भी जब कृष्णा की आवाज़ सुनी तो उसे लगा कि ये तो मेरी माँ है। अब गोपी कृष्णा के पास जाती इससे पहले यहाँ की मोहतरमा ने गोपी को हटा दिया। कृष्णा बेचारी परेशान है, अब उसे कैसे भी करके खुद को और गोपी को इन लोगों से बचाना है और अपने वतन लौटना है। कृष्णा अभी चुप है, लेकिन यस एक दिल को शांति, एक सुकून मिला कृष्णा के कि उसकी बेटी उसके पास आ गई है। ये बहुत मुश्किल की घड़ी है और काम भी ये बहुत मुश्किल है। अब कृष्णा कश्मकश में है, लेकिन कृष्णा हम आपसे यही कहेंगे कि बता दो पाकिस्तान वालों को कि उनके वतन हिंदुस्तान की बहू आई है। किसी भी कीमत पर एक माँ और बेटी को ये देश गुलाम नहीं बना सकता है। यहाँ पर सबको चकमा देकर अपने वतन जरूर लौटेगी कृष्णा, ये बात तो पक्की है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।